हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल, वी आर बहर ब्रदर्स। तो गाइस, एक बार घूमते घुमाते हम फिर से पहुंच चुके हैं हमारी सीरीज मजेदार मंडे। तो आज फिर से बारी आ चुकी है हमारे मजेदार मंडे की। अगर इनको नहीं पता तो आप बता दीजिए क्या होता है इसमें। ये होता है कि आपके जो मन चाहे क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछते हैं और हम आपको उनके आंसर देते हैं, हम उनके जवाब देते हैं आपको। हम वीकेंड के स्टार्ट में ये करते हैं स्टार्ट। वीकेंड के स्टार्ट में स्टार्ट होती है मंडे को, इसलिए इसका नाम रखा है हैशटैग मजेदार मंडे। मजेदार इसलिए रखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, हम उसके आंसर भी मजेदार देते हैं ताकि शनिवार इतवार को लोग काफी कुछ सोचते हैं तो फिर वो मंडे हम उनके आंसर दे देते हैं। तो अभी भी ना भक ले ली, पहले फटाफट चलते हैं वीडियो में, आपको आंसर भी देने। तो चलते हैं वीडियो में। प्रिंस बेल मैरिड एंड के दो बच्चे हैं। कभी फुल डे बिना ब्रश किए रहे हो? अगर रहे हो तो कैसा एक्सपीरियंस? क्या आप ब्राउन गर्ल रिलेशनशिप में हो? पहले ये आदाब पासियों को मारते रहते हैं लोग यार। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये पूछा है आलिया खान 8580 ने। आप मेरा क्वेश्चन तो लेते नहीं हो, हमने ले लिया आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कुरकुरे में से कूपन रिचार्ज किया है? नहीं, कुरकुरे नहीं निकला ही नहीं। नहीं, कुरकुरे नहीं है, कूपन निकलता नहीं, मतलब उसके पीछे होता था वो। हाँ, पहले तो कभी निकला नहीं। निकला नहीं, मतलब होता था कूपन, निकला नहीं, वो पीछे वाला कूपन कह रहे कि उसके पीछे होता था। कुरकुरे में नहीं होता था हमारे वहाँ पे ऐसे थोड़ी। मैं कुरकुरे ले सब में होता था और मेरा एक बार निकला भी था, मैंने उसको यूज किया, वो पर मेरा ज्यादा होता था जैसे इनवैलिड निकला। और अंकल कुछ ऐसा होता था, अंकल चिप्स, अंकल चिप्स नहीं, फन पॉप, उसमें से निकलता था। हाँ, वो टोकन नहीं बोल रहे हैं, वो कोई और टोकन नहीं बात कर रहे हैं। उसके पीछे जो टैक्स लिखा होता है वो मेरा एक बार निकला था पर मेरा इनवैलिड निकला। तो पूरे किस्मत में था ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सुख 8684 का। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। नोट क्वेश्चन ओनली थैंक्स वीरे साडे लई रोज तुसी इन्नी मेहनत करके वीडियो पोस्ट करदे हो। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली आई कंफर्म नहीं है कि वीरे है कि कौन ने। खुशप्रीत सिंह ने किस्मत टू किदा दी लगी? मैंने तो अभी देखी नहीं, ये देखा है मैं आज। किस्मत टू किदा दी लगी? किस्मत टू, एक सेकंड, पूरा ब्लॉग बनया ना, ऐदा दसना कोई मजा ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन च लिंक जाके चेक कर लो, मैं तो पूरा रिव्यू देता कि लगे की लग्या। तो अब तुम मेन गल दसदा, अज वैसे मूवी देखन गए सी चल मेरा पुत थ्री, उत्थे होया इंटरवल, आपां भज के वड़ गए किस्मत टू दे आंदे मूवी दे विच। उत्थे गाने चलते तेरी अखियां दे विच तारे, ते लास्ट टाइम तुसीं ब्लॉग तो देखोगे वैसे उंदे विच मैनूं एक्चुअली लास्ट जिथे असीं गए सी उत्थे सानूं डांस वगैरह कुछ नहीं करन दित्ता सी। इस वार असीं जो नचे आ उत्थे, जो खप पाई है, मतलब विदाउट टिकट असीं वड़ गए सी, फिर भी आप उसे नाच टप खावा। दूसरी बार जब गए तब सिक्योरिटी का रखा, मतलब ओहो अच्छा तीन नंबर ओडी है, अब तो चार से जाना थी। ओ सॉरी भाजी, सॉरी, आप इधर के बाहर देखो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल पूछा है जी हरपी 4909 से, आपके रिलेटिव हैं वो कितना लकी हैं? जो कितना लकी हैं हमारे रिलेटिव्स, कितने लकी हैं, है ना? पर हम इतना लकी क्यों नहीं है ये तो बताओ आप, हम इतना लकी क्यों नहीं है, मतलब Why? क्यों? इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। भाई लकी क्या, हम उनके लिए कई रिलेटिव जिनके लिए हम कुछ अब खास बन गए हैं, किन कई। हाँ, एक्चुअल में जो रिलेटिव देख रहे हैं सबके लिए नहीं है, पर मैं अभी ये बात क्लियर करना चाहूंगा, शायद कंट्रोवर्सी भी हो सकती है पर क्लियर करना चाहूंगा कि पहले जो हमें पूछते भी नहीं थे, जो हमसे बात भी नहीं करते थे, हमारा हाल चाल भी नहीं पूछते थे, जिनको पता नहीं था कि हम हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे। तो जैसे हमारी अब एज 20-21 हो चुकी है एग्जाम्पल के लिए, तो जब हम मतलब 21 साल के हो चुके हैं, 5 साल के थे तब जो हमें मिलने आए थे, तब हाय हेलो या बात करी होगी, अब बातें। हाँ जी बेटा पहचाने, हाँ जी मैं वो बोल दिया, हाँ जी दीदी पहचाने, काइंड ऑफ दिस। So, हम किसको नाम नहीं कर रहे, नाम नहीं कर रहे हैं, और हाँ ये सबके लिए नहीं है, मैं फॉर श्योर पहले बोलना चाहूंगा ये बात। अगर आप बोलो कि मेरी बात तो नहीं कर रहे थे ये वो, कुछ रिलेटिव्स की बात है जिनके बारे में कर रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी कंट्रोवर्सी को ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रोहित _X_ रोहिला, इनका क्वेश्चन है भाई मेरी एक्स आपके घर के पास रहती है, कॉन्टेक्ट करा दो। आपकी गर्लफ्रेंड अब
भाई पहली बात तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये हम नहीं है यहाँ लव गुरु। हमें पता नहीं आपके गर्लफ्रेंड कौन है, और दूसरी बार हम उनको जाके कहेंगे क्या, और तीसरी बात हम कहे क्यों, हम क्यों कहे सिंगल है, हम खुद ही सिंगल है। जब निवाला मुंह में खुद के ना आ रहा ना, तो दूसरे को देने का मन भी नहीं करता। तो इसीलिए तुम भी तड़पो, हम भी तड़पो, भूखे रहो तुम भी भूखे रहो। अगर आप बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई, आपको सजेशन होगा, आपकी एक्स है, एक्स को छोड़ो, आगे फ्यूचर की तरफ सोचो, पास छोड़ दो, छोड़ दो एक्स, गो टू नेक्स्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा है जी जतिन शर्मा 3951 ने, व्हाट्स द वन थिंग यू डू फॉर एवरीवन, केड़ी एक चीज है जो सारे लिए करते हो, सारे लिए मतलब सारे लिए, मैं सब नो मतलब जिन्ना भी करते हैं, मतलब किसी ना गलबात है कुछ भी हो गया, वो दिलो करते हैं, मतलब टाइम पास नहीं कि हाँ बेटे ठीक है, पिछों नो गाला करनी है मुंह ते ओदे, मतलब हर चीज है कि मतलब कॉमन ट्रांसपेरेंट एक तरीके ना, जो अंदर आ पा रहा बहुत से लोग ने मिथ बनाए प्रेडिक्शंस कीती होईयां ने, मैनूं एक दो परसन मिले सी जिहड़े कह रहे सी कि मैनूं किसी ने कहा तुसीं बहुत एटीट्यूड वाले हो, काइंड ऑफ इदां इदां, सब नूं घुलण मिलण च टाइम लगदा, जिन्हों क्या उन्हों पता लग गया होगा, सब नूं घुलण मिलण च टाइम लगता फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग मैं सामने वाले दे बिहेवियर नूं देख के कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता, उस टाइम मेरा बिहेवियर जे तुहानूं लग्गिया होवे बदलदे नहीं, जे तुहानूं लग्गिया होवे उस टाइम एटीट्यूड है कुछ इदां, तो उस टाइम ते कोई परसन सिनेरियो इदां होया होवे कुछ वी इदां, मूड किसे होर पासे होंदा, तुसीं कहो मतलब काइंड ऑफ लोकां नूं काइंड ऑफ लोकां नूं एटीट्यूड किवें लग जांदा, जिद्दां मान लो उहने इक फोटो खिचाई सीगा चलो ठीक है, भाजी फोटो नहीं खिचारे, भाजी आ नहीं करे, भाजी नहीं करे, बंदे लगदा आपां लेट हो रहे हां ऑलरेडी, तो उनका एटीट्यूड है, कई होंदे जिवें इक फोटो खिचा ली चलो ठीक है, कई कहिंदे वीडियो स्लोमो बनानी चलो ठीक है, उस तों बाद होर वीडियो बनानी ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹਾਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 2008 ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮਜ਼ਾ ਮੰਡੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪ ਚਲਤੇ ਵਲੌਗ ਮੇ ਉਬਾਸੀ ਲੇਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਆਪ, छोटा क्वेश्चन आता है, मतलब इंस्टा पे इतना ही आता है, उसमें दो सवाल आते हैं, तो वो आगे कहीं चला गया, वो मिला नहीं मुझे, तो आप पहले ये जवाब दो, पास क्यों मारते रहते हैं लोग यार, थक जाता मंडा यार, अभी भी देखो अभी भी कितना, एक बज गया रात को, लोग शूट होता है, मैं पहले रिहर्सल से आता हूँ, फिर आके खाना वगैरह खा के फ्री होके फिर लेट शूट होता है, तो नींद आई जाती है, थका होता है यार, लेग्स इतने पेन कर रही होती है, सो दैट्स व्हाई गाइस, ये जो यॉनिंग करते हैं उसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बगड़ा प्रैक्टिस पे जाते हैं, और वैसे भी कोई काम नहीं है, तो इसके लिए, तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है फैंगल ऑफ मिस्टर फैंगल ऑफ बहल ब्रदर्स, हैशटैग मदर मंडे, आप लोग क्यों बनाते हो, प्लीज क्वेश्चन लेना, लोग क्यों बनाते हो आपके लिए, ये कैसा सवाल था, आप फैन गर्ल होने के बाद भी ये सवाल पूछ रहे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हें, इतने से भी शर्म नहीं, चल सिर्फ आपके लिए बनाते हैं गाइस हम व्लॉग, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ और था लिख कुछ और दिया, जो भी है हमने जो लिखा उसका जवाब दे रहे हैं, गाइस आप लोग की रिक्वेस्ट थी, आपके कहने पर हमने डेली व्लॉग स्टार्ट करी, आपके कहने पर हमने मदर मंडे दोबारा कंटिन्यू करा, क्योंकि कईयों को पहले बोर हो रहे थे, फिर आपने कहा कि दोबारा स्टार्ट करो, तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो अब आप ही के लिए चलेंगे अगले सवाल के, व्लॉग बनाया मैंने तेरे लिए, सबको रुलाया मैंने तेरे लिए, क्वेश्चन है आया अगला तेरे लिए, तेरे लिए मामा, सॉर्टर शर्मा 02, हाँ सॉर्टर शर्मा 02, चैलेंज इन लाइफ ऑफ चेंज इन लाइफ और लाइफस्टाइल बिफोर फेम एंड आफ्टर फेम, बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला, हाँ बहुत कुछ, मैंने जैसे आपको बताया है कि जो हमें पहले पूछते नहीं थे वो अब हमारे पास आते हैं, मतलब अगर सपोज करो भगवान ना चाहे अगर हम अभी डाउन भी हो जाए ना, तो कोई पूछेगा नहीं आके हमको,
ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਉਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਨਾਲ ਜੋ ਖੜੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜੂਗੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਆ ਹਾਂ तो फेम और आफ्टर फेम में क्या फर्क रहा तो आफ्टर फेम में यही रहेगा कि अभी बाहर जाते हैं तो एटलीस्ट दो तीन लोग ही जाएं हमें पहले जैसे हमें पहले सेंस आ गई मतलब काफी किसी से बात कैसे करने ये हो गया ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ देखने को मिलता है फेम का अगर आप डिफरेंस बोल रहे हो तो लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करने लगे हैं जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और पर कहीं कहीं पे थोड़ा सा लगता भी है ये कुछ लोग शायद बुरा लग जाए पर ये ट्रूथ है मैं एक बार आज शेयर करना ही चाहूंगा मैंने कभी शेयर नहीं किया कभी हम एकदम कंफर्ट जोन में घर पे बैठे होते हैं निकर विकर आराम से पहन के और एकदम से कभी मिलने आ जाता है सो दोपहर को रात को 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तो कभी कभार लगता है कि यार इस टाइम पे नहीं इस टाइम पे नहीं आते हैं कंफर्ट जोन रहता है फैमिली टाइम रहता है बैठे तो वो थोड़ा सा लग जाता है हमें ये सबको मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मत आया करो आया करो मोस्ट वेलकम हो आप पर ये मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा कभी कभार कंफर्ट जोन में थोड़ा रहता है भाई कंफर्ट तू पूरा एक्टिव रहेगा ना अपनी जगह मैं भी वैसे ये बात सही है मैं भी ऐसे लेटा रहता हूँ यहाँ पे ऐसे क्योंकि घर पे बंदा कोई भी इतने वो तैयार शेयर हो गया कुछ नहीं रहता और आप जब फोटो खिंचाओगे वो अपलोड कर दोगे तो हमें अच्छा लगेगा जब हम वीडियोस बनाते हैं तब हम तैयार शेयर होकर वीडियो बनाते हैं वैसे हम शॉर्ट्स में स्लिप शॉर्ट्स में मतलब अपने अंडरगार्मेंट्स में आराम से बैठे रहते हैं घर पे कंफर्टेबली बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है तो चलो अभी का मौसम फिर भी ठीक है डिफरेंस ये आया कि बहुत से लोग पहचानने लगे बहुत ज्यादा प्यार देने लग गए और पहले तो कुछ के राजी नहीं था और जो हमारी फैमिली हमें ऐसे सपोर्ट करते रहो अगला सवाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी इट्स मी स्वाति 27 ने आपकी गूगल इन्फॉर्मेशन आदि गलत है वो YouTube तो पे आप गूगल से जाके पूछिए गूगल बाबा से हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमने भरी नहीं हमें पता नहीं कईयों ने ऐसे इधर उधर सुन के YouTube पे काफी वीडियोस बनाई है बहुत सी चीजें उसमें कई चीजें सच है कई झूठ है 90% झूठ है हाँ तो गूगल पे भी बहुत सी चीजें हैं कहीं कहीं पे लिखा गया था कि प्रिंस बेल मैरिड है इनके दो बच्चे हैं पर ये सच नहीं है मगर ये इनकी 3 गर्लफ्रेंड है ये सच नहीं है तेरा बॉयफ्रेंड है ये सच है बोल दे नहीं ये सच भी नहीं है ये कहां सच हो जाएगा तो मैंने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ तो मैं एक ये था कि एक बार सच है सिर्फ कि इसका नाम करण बहल है बाकी सब कुछ झूठ है बाप एज भी गलत है क्लास भी टॉप करता है अपने कॉलेज में तुझे कैसे पता है मैं टॉपर हूँ गाइस मेरे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे 78% आए हैं तो टॉपर हो गया हाँ तो 78% बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं मतलब इसका स्टडी में इंटरेस्ट है काफी अच्छा मगर टॉपर टॉपर नहीं कह सकते मैं इसको हाँ तो इसको भी उसने फेलियर नहीं बोला ना तो ये फेलियर था पर कंपार्टमेंट आते हैं तो क्या हो गया इट्स नॉर्मल थिंग है ना तो अभी ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ जाएगी हम अगले सवाल पे चलते हैं ये है काजल मित्तल आपका और प्रिंस के साथ में न्यू सॉन्ग कब आ रहा है आपका और प्रिंस के साथ में न्यू सॉन्ग कब आ रहा है हम दोनों का अभी तो कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमें कोई अप्रोच नहीं कर रहा है तो कोई भी डायरेक्टर सिंगर कोई भी बंदा देख रहा है तो आप अप्रोच कर सकते हो हमें हमारी आईडी है मिस्टर करण 003 इसके अब प्रिंस बहल 99 आप डीएम कर सकते हो आप डीएम कर सकते हो और बजट हम उसके पास अभी कुछ नहीं आ रहा वैसे हमारी मूवी आ रही है दिल पे दिलों के साथ हमारी वो अभी नहीं बताएंगे हाँ, टाइम के साथ पूरा बताएंगे जब आएंगे हम व्लॉग उसके लिए तो एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज आप लोग के लिए अभी तक इसको भी थोड़ा सा पता है पर मेरी डिस्कशन हुई थी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा थोड़ा टाइम वेट सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी सैंडी भगत 786 से कभी फुल डे बिना ब्रश किए रहे हो अगर रहे हो तो कैसा एक्सपीरियंस था लव यू बोथ बट प्रिंस को ज्यादा बिना ब्रश किए जब छोटा था मेरे को याद है एक बार मतलब जल्दी जल्दी मैं लेट हो रहा था मैं स्कूल जाना था तो मैं ऐसे चला गया पड़ा बैठा जल्दी में तो सारा दिन ऐसे खाया वगैरह मतलब बचपन था तब नहीं पता चला जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ अलग लगा था कि यार क्या है मतलब मेरे को हो रहा था कि यार ब्रश करना चाहिए यार ब्रश गिल्टी फील हो रहा था अंदर से तो जैसे किसी रिलेटिव के घर चले जाओ किसी फ्रेंड्स के घर चले जाओ रहने तो ब्रश भूल जाओ घर पे तो सुबह उठ के परिवार पे 20 रुपए खर्चने का मन भी नहीं करता है क्योंकि लगता है वो वेस्ट जाएगा कई बार तो उंगली यूज कई बार ये भी मन नहीं करता ऐसे चाय पी ली फिर चाय तो पी ली अब जो था निकल भी गया अंदर भी चला गया बाहर नहीं मैंने कभी नहीं किया
क्यों नहीं किया? क्या मेरे को पता, तेरे को पता है क्यों नहीं किया? मतलब क्या? चल ठीक, मम्मा से पूछ ली सुबह। तो मैंने कहा कभी ब्रश किए नहीं बिना, किया नहीं खाया पिया ऐसा वाला कुछ। ज्यादा से ज्यादा ये होता था मैं चाय वगैरह पी लेता था। नहीं नहीं मैं बताने वाला हूँ कि ब्रश की जगह क्या कर लेता था। मैंने कहा ब्रश के बिना दंत मंजन नहीं। अगला सवाल तूने पूछना, मैंने पूछना है। रोहित राठौड़ 1256 हैशटैग मजेदार मंडे, दिल्ली में आपको सबसे अनोइंग चीज क्या लगी? दिल्ली में अच्छा ही गया था ये पूछो, कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। दिल्ली में सबसे अनोइंग चीज मुझे ये लगी, एक एक मिनट बाद आपको मास्क पहनना पड़ेगा। एक एक मिनट बाद लिटरली, अगर आप ऐसे गुजर रहे हो ना, आप पुलिस वहां पे खड़ी है तो आपको वहीं से भागते भागते आएगी, ऐसे बोलेगी तुम्हें मास्क पे बिठा ला 2000 रुपए निकाल। जब तक 2000 नहीं निकलोगे वहीं थड़े पे बिठा लेंगे तुम्हें, तुम जा ही नहीं सकते कहीं पे, वहीं बैठना पड़ेगा शाम तक जाए बैठना पड़ेगा वहीं पे 8 फुट तुम्हें बैठना पड़ेगा, एक मिनट भी नहीं। पहला ये, दूसरा वहां पे ना कुछ पुलिस लाल किले के बाहर बहुत ज्यादा दादागिरी चला रही थी। जैसे रिक्शा वाला आगे आ रहा था, प्यार से उसको बोलो रिक्शा उठाओ, उसका ऐसे उड़ा के मार रहे थे, से मुझे बहुत बहुत ज्यादा बेकार लगा। और मेरे को पर्सनली ना गर्मी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, सही था। बट एक चीज अच्छी लगी, वहाँ पे कपड़े मेरे को मिल गए जो मुझे चाहिए थे, थोड़े सस्ते थोड़े महंगे। आपने ब्लॉग नहीं देखा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके चेक करो। अगला सवाल, तो अगला क्वेश्चन है फैन गर्ल ऑफ बैल ब्रदर्स, कभी आंसर नहीं मिला बट फिर भी पूछ है, मुझे सक्सेस मिलने पर चेंज तो नहीं हो जाओगे ना? सक्सेस मिलने पर चेंज डेफिनेटली नहीं होंगे, जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता रहेगा हमें सक्सेस मिलता रहेगा और हम वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे आप लोग के साथ। पर आपको चेंज लगेगा, सिर्फ इतना सा चेंज लगेगा कि हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि अभी एटीट्यूड आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। डेली शेड्यूल ऐसे हो जाते हैं, कभी कभार हम एक्टिव हो पाते हैं रिप्लाईज के लिए, लाइव के लिए, कमेंट्स पढ़ने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, बट कभी कभार नहीं हो पाते, उस टाइम आपको लगेगा एटीट्यूड है। हम जैसे पहले थे आज भी वैसे हैं और आगे भी वैसे ही, जिद्दा सी उद्दा हां ते उद्दा ही रहेंगे ऑलवेज। अगर आपका साथ है तो हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा, आपका रहेगा साथ, डरने की क्या बात। चलते हैं अगले सवाल की तरफ आप ही के साथ। क्वेश्चन आया जी उमाइमा UMAIMA उमाइमा 7973, कैन यू विश मी ऑन द अपकमिंग सैटरडे, इट्स माय बर्थडे एंड आई डोंट हैव। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैरी बर्थडे डियर उमाइमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो गाइस मैं आपको बर्थडे है एडवांस में, आपको हम हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। पार्टी ऐसा करना, पार्टी का चलो पोस्ट में हम आपको अकाउंट नंबर दे देते हैं, पैसे कर दो, हम कुछ खा लेंगे। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हम कुछ खा, तो बिना प्याज का हम खा लेंगे कुछ ना कुछ बना के। अदरवाइज आप ऐसा कीजिएगा, आप ये वीडियो को नहीं, जो आपको अच्छी लगती है वो वीडियो को अपने ग्रुप के 5 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वही आपको आपकी पार्टी रहेगी। ठीक है, हमारी जैसे गिफ्ट भी वही है, गिफ्ट भी वही है, हमारा ब्लॉग देख लो आप। हाँ तो अच्छा सवाल चलते, तो अगला क्वेश्चन है चक्षिका 09 का, ब्राउन गर्ल से आप पहली बार कब मिले थे और कहाँ? पहली बार गाइज, मैं पहले सत्संगर में जाता था, मतलब जो रासोमी वाला सत्संगर होता है वहां पे एज ए सेवा में हम लोग मिले थे आपस में। और वहाँ कितने साल पहले? अप्रॉक्स 3-4-5 6-7 साल पहले, 6-7 साल पहले। और मैं 2 साल कंटिन्यू गया था, उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, हमें 3-3.5 साल हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए। हाँ। 3-3.5 साल यहाँ पे शिफ्ट हो गए ये वाले घर में, और तब मिले थे, अच्छे डिस्कशन थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत कुछ अच्छा था। तब वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस थे, ये देखो फिर से भाषियाँ, तब वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस थे और मैं फेमस नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद रैंडमली हमने इनके साथ पहले उनका कोलैब हुआ, उसके बाद मैंने हाँ मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू, मेरे फ्रेंड के साथ मैं वीडियोस बनाने गया था तो वहाँ पे मिले थे। वैसे मेरी हाय हेलो हुई थी उनसे चैट पे, फिर पहली बार मिले तो अच्छी बॉन्ड हुआ, तो बात बहुत हुई, अच्छा लगा, तो फिर वीडियोज बनाई, अच्छा कोलैब होने लगा, फिर हम क्लोज थे, पता था कि पास में रहते हैं तो हम वीडियोज बनाने लग गए, शुरू। तो हमारी एक टीम सी बन चुकी है अब सब लोग की, सिर्फ उनके साथ नहीं, सब लोग के साथ एक टीम बन रही है, हम मिलके वीडियोस वगैरह बनाते हैं। जब भी कोई कंफर्टेबल होता है, टाइम किसके पास होता है, हम वैसे टाइम के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, सूट लवर्स 440, ये स्पेशली प्रिंस जी के लिए, तो प्रिंस जी जरा गौर फरमाइएगा। प्रिंस ने भंगड़ा क्लासेस ज्वाइन की है शौक के लिए या किसी कुड़ी ने इंप्रेस करने लिए? या मेरा बचपन से शौक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्पेशली मेरी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई, मगर फिर से मैंने रीएडमिशन लिया, एडमिशन ली है स्पेशली फॉर भंगड़ा। तो गाइस इसको बहुत अच्छा लगता है भंगड़ा, इसके लिए उन्होंने एडमिशन लिया। लड़की को इम्प्रेस करना आपने बहुत गलत चले गए, क्योंकि कॉलेज में लड़के ही नहीं है, कॉलेज में
काफी कम है लड़कियां, कोविड है मगर इतनी गर्ल्स, क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने गर्ल्स कॉलेज है तो सारी गर्ल्स उधर चले जाते हैं। इम्प्रेस वाला सिस्टम तो पाइप बनता ही नहीं यार, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को इम्प्रेस करने की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इट्स कश्यप 1829 का, इससे बारे में बताना चाहूंगा कि ये आज का आखिरी सवाल है। चलो चलते हैं फिर। क्या आप ब्राउन गर्ल रिलेशनशिप में, बाकी आप अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, लव यू बहुत, नमस्ते फैमिली। नमस्ते तो बोल दिया हमने और हार्डवर्क कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, पर पहली वाली इन्फॉर्मेशन जरा आप रॉन्ग लेके चले गए। नहीं यार, वी आर नॉट इन अ रिलेशन, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे सोचते हैं कि सारा दिन इकट्ठे रहते हैं। और अगर इसने बोला हम अच्छे फ्रेंड हैं और आगे से आप ये बोल रहे हो एक लड़का और लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते, तो आप गलत हो, ठीक है, मतलब बहुत गलत हो। पता क्या, जब कोई लड़का लड़की इकट्ठे वीडियो डालते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, तो लोगों के मन में ये थिंक इन दोनों के बीच में कुछ है, मगर एक रिश्ता हो गया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपने मुझे बोला था सेम इसके जो आंसर थे वो मेरी साइड से भी थे। नहीं, हम अच्छे फ्रेंड थे, हमने जिस लाइन में हमें ना, अगर हाँ उसमें आपको गाइस ओपन माइंडेड होना पड़ता है, बिकॉज़ आपको कोलैब्स करने ही पड़ेंगे। आप तो एक सिर्फ ब्राउन गर्ल्स से वीडियोस बना रहे हैं और आगे हमें कोई और लड़की मिले तो आप तब भी आप यही सोचोगे आप इसके, तो पहले से हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ऐसा फर्दर ले भी कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ होगा तो डायरेक्ट ऑफिशियल करेंगे। ये चीज कॉमन है, लड़के लड़की की वीडियो कोलैब ये डायरेक्ट ऑफिशियल करेंगे अगर कुछ होता है, अगर होगा तो हम कहेंगे हां यार हमारी है, इसमें क्या डर है। और ये बातें चलती रहेंगी, उसके साथ में आपको मेन बात बतानी आज दोबारा शुरू करने वाला एक बार कि दिस इज एंड ऑफ अवर वीडियो, होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले अगले वीक के लिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन है हम संडे को वहां पे डाल देंगे, आप पूछ सकते हो। और हैशटैग लगाना बिल्कुल मत भूलना, हैशटैग मजेदार मंडे। और अभी नहीं बताऊंगा, बस स्टोरी में डाल दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।